बहुत सारे लोगों का कहना था कि कपिल भाई अपनी फेसबुक एड्स के जो आपका एड अकाउंट है उस एक एड अकाउंट को आप हमको दिखाइए। तो मैं आज आपके साथ अपना एक फेसबुक एड अकाउंट शेयर कर रहा हूँ। जैसा आपको पता है कि मेरे पास काफ़ी सारे फेसबुक एड अकाउंट हैं, सो उनमें से एक एड अकाउंट मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा जिसके अंदर मैं एड्स चलाता रहता हूँ। उतने हाई नहीं लेकिन चलाता हूँ। मैं कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करता हूँ और कौन कौन सी चीज़ें जब मैं स्केल करता हूँ तो उन चीज़ों को मैं ध्यान में रखता हूँ, तो सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा। एड रन करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट्स हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद, और आपके कुछ अगर डाउट्स होंगे तो वो भी आपके मे भी शायद सॉल्व हो जाएंगे इस वीडियो के साथ। ओके, सो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स वही यार, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो देखो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ हमारे, और ये मेरे जो फेसबुक का एक ऐड अकाउंट है, और इस ऐड अकाउंट के अंदर मैंने ये ऐड अकाउंट अभी बनाया था कुछ टाइम पहले ही, ज़्यादा इसको समय नहीं हुआ है, मुश्किल से ये मान के चलिए ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसको, यहाँ पर इसका ध्यान मत देना, ये तो चलता रहता है, ऐड मैंने बहुत लेट चलाए हैं लेकिन ओके। और यहाँ पर देखो इसके अंदर जो मैंने इन्वेस्ट किया था वो किया था मैंने 168,68,939 रुपये, ये ऑलमोस्ट 170,000 के आसपास मैंने इस पर इन्वेस्ट किया था। ओके, और यहाँ पर देखो मैंने बहुत सारे एड्स वगैरह यहाँ पर चलाए थे, ठीक है। तो देखो ये सिंपल ऐड अकाउंट होता है, और उसके बाद देखो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन आता है ये आता है बजट, यानी कि आप किस तरीके से बजट यूज़ करें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसको इंप्रेशन, यहाँ पर पहला कॉलम आप रख सकते हो इंप्रेशन के, जो आप ऐड चला रहे हो तो उस ऐड के जो कितने इंप्रेशन आपके आ रहे हैं, क्योंकि देखो इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। इंप्रेशन क्या होता है, जब कोई ऐड आपके सामने शो होता है तो आप उस पर क्लिक करो या ना करो लेकिन वो आपके सामने शो हो रहा है ना, यानी कि आपके ऐड को फेसबुक ने कितने लोगों के सामने शो किया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए हमारे लिए। और यहाँ पर आता है देखो CPM कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, यानी कि 1000 इंप्रेशन को दिखाने के लिए फेसबुक कितने रुपए हमसे चार्ज कर रहा है, वो इसका मतलब यहाँ पर होता है। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स रीच फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहा है फेसबुक, फ्रीक्वेंसी मतलब एक पर्सन कितनी बार ऐड उसका दिखा रहा है। सीट क्या रहता है, क्लिक थ्रू रेट, देखो ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है CTR, एक बार को ये रीच फ्रीक्वेंसी अगर आप इग्नोर भी करते हो CTR अच्छा होना चाहिए आपका। सीट देखो अभी मेरा किसी में बहुत कम है, किसी में ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखो यहाँ पर 5 का भी है मेरे पास, 9 का भी है मेरे पास, ठीक है, और 2 का भी है, 3 का भी है, 36 का भी है। देखो कुछ ऐड होते हैं जो अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं जिनका CTR अच्छा होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका परफॉर्मेंस खराब होता है, जिनका कम होता है। कोशिश करेंगे अपना CTR जो है वो 5 से हमेशा ऊपर रखें। ओके, CTR होता है फ्रेंड्स क्लिक थ्रू रेट, यानी कि जब किसी पर्सन के सामने आपका ऐड जाता है तो वो पर्सन उस ऐड पर क्लिक करता है या नहीं करता है, तो उसका जो रेशियो फेसबुक निकाल के देता है वो होता है CTR। ओके, अब आते हैं यहाँ पर देखो नेक्स्ट आता है लिंक क्लिक्स, यानी कि आपके जो एड्स पर क्लिक कितने लोगों ने किया हुआ है, तो वो यहाँ पर टोटल करते हैं। देखो मेरे पास 17,000 से ज़्यादा लोगों ने मेरे लिंक यहाँ पर मेरे ऐड के लिंक क्लिक किए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है CPC कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि एक क्लिक का, यानी कि जिस पर्सन ने आपके उस ऐड पर क्लिक किया है, यानी कि क्लिक जो किया है उस क्लिक को करने के लिए फेसबुक ने आपसे कितने रुपए चार्ज किए हैं, तो उसका बात आती है CPC कॉस्ट पर क्लिक। तो आपको ये भी अपने जो आप जब टारगेटिंग करते हो, ये जो आप अपने फेसबुक का चार्ट जब इसको देखते हो तो आपको यहाँ पर ये शो होना चाहिए, जिससे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर परचेज ROS रिटर्न ऑफ स्पेंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने जैसे 1 रुपये अगर लगाया है तो आपको 2 रुपये मिल रहे हैं या नहीं, तो वो उसका रेशियो यहाँ पर शो होता है। ओके, एट्रीब्यूट सेटिंग आप देख सकते हो कि आप ये जब फेसबुक ऐड हम चलाते तो वो यहाँ पर हम कलेक्ट करते हैं, बट इसकी ज़रूरत आपको नहीं है ना। रिजल्ट आप यहां पर देख सकते हो कि आपको कितने लिंक क्लिक्स मिलने चाहिए, कितने परचेज, कितनी सेल्स वगैरह, तो आप यहां पर देख सकते हो इस वाले ऑप्शंस में। ओके, तो आप ऐसा नहीं है, मेरे रिजल्ट अगर आप यहां पर देखो, देखो 18 सेल है मेरी, यहां पर लिंक क्लिक्स भी हैं, यहां पर देखो 16 हैं कुछ, और यहां पर देखो 20 हैं, अलग अलग है फ्रेंड्स, ये अलग अलग है, ठीक है। अब कॉस्ट पर रिजल्ट, ये सबसे लास्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है कॉस्ट पर रिजल्ट, यानी कि अगर आपने जो भी ऑप्शंस ट्राई किए यूज़ कर रहे हो वहाँ पर, आप चाह रहे हो कि आपको परचेस मिले, लिंक क्लिक्स मिले, और या कि आपको लीड्स मिले, तो यानी कि आपको एक परचेस का, एक लिंक क्लिक का, या आपको एक सेल का क्या रुपये आपको फेसबुक को देना है, सो उसका यहाँ पर आप उसको देख सकते हो, तो वो यहाँ पर हम उसको शो करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए अपने जब एड्स के अंदर बनाते हो, तो ये चीज़ें बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं। ओके, और देखो 3 चीज़ों में फॉर्मेट में आपका जो एड अकाउंट है वो शो होता है, सबसे पहले कैंपेन लेवल होता है हमारा, उसके बाद एड सेट लेवल होता है, थर्ड होता है हमारा एड लेवल, ठीक है। जैसे आपको मैंने अपनी और भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स वीडियोज़ में सब कुछ बहुत अच्छे से बताया हुआ होगा। ओके, अब सपोज करते हैं मैं अगर किसी भी एक रैंडम में से यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ओके, और मैं इसका अब यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ,
देखो, यानी कि मैंने किसी एक कैंपेन पे क्लिक किया और उस कैंपेन के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन मेरा ओपन हो चुका है। मैंने रैंडम किया, देखो मैंने कोई ऐसा टारगेट नहीं किया। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर मैंने जो स्पेंड किया था फ्रेंड्स, ये वो किया था मैंने 2768 रुपये मैंने यहाँ पर स्पेंड किया था। ओके, अब मैं सिंगल आपको कैंपेन के बारे में बता रहा हूँ। देन उसके बाद जो मैंने इसमें बजट लगाया था, तो वो मैंने तीन ऑडियंस इसमें बनाई थी फ्रेंड्स। पहली कोल्ड थी, दूसरी एक लुक लाइक होती है, और एक रिटारगेटिंग। तीन ऑडियंस मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। तो पहली पे मैंने चलाया था 500 रुपये का, बाकी दोनों पे मैंने 300 रुपये के ऐड यहाँ पर चलाए थे। ओके, और इम्प्रेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो एक पर देखो 60,000 इम्प्रेशन, दूसरे पे 572 और तीसरे पे 7,261। ओके, तो इम्प्रेशन यहाँ पर मायने रखते हैं आपके लिए। ओके, उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स रीच की बारी। देखो कोल्ड वाली ऑडियंस 28,000 तक पहुँची थी, क्योंकि कोल्ड में देखो मैंने सिंपल सी यूज़ कर लेते टारगेटिंग। बट सेकंड जो ऑडियंस है ये मेरी होती है स्पेसिफिक ऑडियंस, जैसे कि मैंने लुक लाइक बना दिया, ठीक है, या फिर रिटारगेटिंग कर दिया, तो यहाँ पर रीच थोड़ा कम हो जाती है। फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पर देख सकते हो, और CTR यहाँ पर देख सकते हो। CTR बहुत मेरा यहाँ पर कम आया था, इसलिए मैंने इस ऐड को बंद कर दिया था दो तीन दिन चला के। और उसके बाद यहाँ पर CPC आप देख सकते हो, कॉस्ट पर क्लिक, और ROAS ये बहुत कम दिखा रहा है मेरा यहाँ पर अभी। बट हाँ, सेल थोड़ी सी मेरी आई थी यहाँ पर, आप देख सकते हो रिजल्ट वेबसाइट परचेस एक सेल मेरी यहाँ पर आई थी, जो कि मुझको बहुत ही महंगी पड़ी थी। और कुछ यहाँ पर मैंने यहाँ पर शायद ये लीड्स वाला था, लास्ट वाला नहीं, लीड्स वाला। तो वेबसाइट का एड पे, हाँ ये बारह आई थी मेरे यहाँ पर, ये 48 रुपये पड़ी थी यहाँ पर देखो, ठीक है, ये 48 रुपये। बट इस ऐड से मुझे संतुष्टि नहीं मिली थी, तो मैंने इस ऐड को बंद कर दिया था। ओके, सो आप भी इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखो, अगर आपका ऐड आपके हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है ना, देखो क्या होता है, कम से कम 2 से 3 दिन आपको ऐड चलाना चाहिए अपना। अगर आपको लगता है कि मेरा ऐड परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तो उसके बाद आप अपने उस ऐड को बंद कर देना, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जरूर ध्यान रखो। और एक समस्या लोगों की ये जरूर आ रही थी कि कपिल भाई हमारा जो ऐड है, और हम उस ऐड के अंदर अपना जो इन्वेस्टमेंट करते हैं पेमेंट, मतलब ऐड चलाते हैं, तो लिमिटेशन आती है कि आप इतने रुपए से ज़्यादा ऐड का नहीं रन कर सकते हो। तो उसके लिए देखो आपको क्या करना होता है कि ये बैक करना पड़ेगा। अरे यहाँ पर आप बिलिंग वाले ऑप्शंस में जाना, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बिलिंग वाले ऑप्शंस में जाना, एक्चुअली OTP के लिए दूसरा फोन है यार, वहाँ पर OTP मांग रहा है। बिलिंग वाले ऑप्शंस में जाना, और बिलिंग वाले ऑप्शंस में आपको लिमिटेशन मिल जाएगी, मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है। और आपको लिमिटेशन देख लेना आप एक बार, अगर आपकी लिमिटेशन कम है स्पेंड करने की, तो एक बार आप फेसबुक की टीम से बात करके ना, सो उनसे बात करके उस चीज़ को आप बढ़वा लेना, ठीक है। और सिंपल से आसानी से अगर आप उनको रिक्वेस्ट करोगे तो वे बढ़ा देंगे इस चीज़ को। ओके, तो फेसबुक एड्स के बारे में आप देखो समझ चुके होंगे, ऐड पर किस तरीके से बनते हैं वो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ भी है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको कुछ भी किसी भी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे सीधा कमेंट कर सकते हो। ओके, सो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, जय हिंद, बाय बाय।